गुमटीधारियों के विरोध के बीच नगरपालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने जज्जी बस स्टैंड पहुंचकर वहां से हटाए अतिक्रमण। जेसीबी चलवाकर गुमटियों और कच्चे निर्माणों को ढहाया। शराबी बाप की गंदी हरकतों से परेशान बालिका शिवरी से भागकर मां के साथ पहुंची गुना। महिला संगठनों की मदद से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की शिकायत। मधुसूदनगढ़ में मामा के यहाँ छुट्टी मनाने आए बच्चे नदी में नहाने के दौरान डूबे। दो बच्चों की हुई मौत और एक की हालत गंभीर। सभी बच्चों की उम्र 10 वर्ष से थी कम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। श्यामा प्रसाद खेल प्रशाल में गुना कलेक्टर और गुना विधायक ने हितग्राही महिलाओं को बांटे उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे और प्रमाण पत्र। संबल योजना के कार्यक्रम के दौरान गुना विधायक ने भ्रष्टाचारियों के जन्म पर किया कटाक्ष। महिलाओं से की अपील कि ऐसे बच्चों को जन्म ना दें जो समाज में विकृति पैदा करते हैं। ऐसे पुत्रों को और पुत्रियों को माता बहनों से निवेदन है कि वो जन्म ना दें जो समाज में विकृति पैदा करते हैं। बयाना पुलिस ने हाईवे पर ट्रक डकैती की योजना बनाते हुए चार कुख्यात पार्टियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दो मोटरसाइकिल सहित देशी कट्टे, तलवार, फर्सी, दुहांगी सहित जिंदा कारतूस भी किए बरामद। चारधाम की यात्रा से लौटे तीर्थयात्रियों का विधायक जयवर्धन सिंह ने हनुमान मंदिर पहुंचकर किया स्वागत और साथ ही महंत जी का लिया आशीर्वाद। आरोन में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के कार्यक्रम में तहसील प्रांगण में हितग्राहियों को किया लाभान्वित। बांटे गए गैस कनेक्शन और राघोगढ़ में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितलाभ वितरण का कार्यक्रम संपन्न। अतिथियों ने मजदूरों को बांटे प्रमाण पत्र। बासाहेड़ा में लोधा लोधी समाज ने की नई पहल। मृत्युभोज की प्रथा को बंद करने के लिए लिया संकल्प। गुना कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग के कर्मियों ने फल मंडी पहुंचकर आम सहित विभिन्न फल की दुकानों का किया निरीक्षण। फल की दुकानों पर फल को पकाने की प्रक्रिया को भी निरीक्षण के दौरान जांचा। पतंजलि ने बीएसएनएल के साथ मिलकर लॉन्च की पतंजलि सिम।